गेट में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए। सबसे पहला पॉइंट, मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड नहीं होता, रैंक के बेसिस पर डिसाइड होता है। क्योंकि अगर पेपर इजी आ गया तो सभी के मार्क्स ज्यादा आएंगे, और अगर पेपर कठिन आ गया तो सभी के मार्क्स कम आएंगे। हेंस अगर आपकी रैंक अच्छी होगी देन यू हैव अ प्रोबेबिलिटी आपको सरकारी नौकरी मिले। पॉइंट नंबर टू, कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना रैंक आना चाहिए। फिर भी सर, रैंक आपका आना चाहिए अंडर 200 या अंडर 250, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यू विल गेट अ कॉल। ठीक है, अब अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में हो, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, उस केस में आपका रैंक अगर 500 से 1000 ही है तो कई बार देखा गया है आपको भी कॉल आता है। बट जनरल वालों के लिए अंडर 200 अंडर 250 ये आपको मेक श्योर करना है। ठीक है, और अगर आप अंडर 100 हो तो फिर 90% चांस है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड रैंक मैटर करता है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, स्टेट पीएसयू, अलग अलग कंपनी अलग अलग क्राइटेरिया निकालते हैं। ठीक है,